हेलो गाइस, मैं लेके आया हूँ नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑयल वाले स्टार्टर का ऑटो स्विच कनेक्शन। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑयल वाले स्टार्टर का कनेक्शन हम ऑटो स्विच का करते हैं। ऑटो स्विच सेम ही होता है, वही चीज़ें होती हैं, वही फंक्शन और वही वायर होते हैं। 7 वायर वाले ऑटो स्विच है, RYV, रेड, येलो, ब्लू, और ये S1, H2, N और V, ये वो सेम टू सेम है जिसमें 7 वायर होते हैं। और हर जो ऑटो स्विच है ज़्यादातर उसमें 7 वायर का कनेक्शन होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। ये हमारा ऑटो ऑयल वाला स्टार्टर है डॉल। ये हमारा जो सिंपल स्टार्टर होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, जो 6 वायर जो दिए हैं ये क्या ओपनली होता है, ये उसके जो मैग्नेट वगैरह जो भी कुछ होती हैं रिले वगैरह वो ऑयल के अंदर डूबी हुई रहती है जिससे जलती नहीं है, ये बर्निंग नहीं होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो में, आपको बताता हूँ किस तरीके कनेक्शन। ये वाला तो बेसिक सा पोर्शन सिंपल सा है, एक तो ये ग्रीन लाइट है, हम इससे कनेक्शन पकड़ सकते हैं, एक तो ग्रीन और एक रेड। अब ये कि ये बंद और चालू करने की जो बटन है इससे हम कनेक्शन। अब ये वाला एक हिस्सा जो है, ये जो है इसमें जो है हमारी ये मोटर की डोरी लगती है, मोटर की डोरी, और उसके अपोजिट इसके सामने, जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ ये मोटर की डोरी लगाते हैं, इसके फ्रंट में जो है ये वाली वायर के जो है हम कनेक्शन करते हैं। अब ये जो हमारा जो है RYV, ये तीनों जो है डोरी हमारी, ये इस वाले पोर्शन में लगती है। इसमें अपने ब्लू कलर की जो वायर है उसमें ब्लू कलर की लगाना है, रेड कलर का जो वायर है उसमें रेड कलर लगाना है, और येलो कलर का जो है कि उसमें येलो कलर लगाना है। इसी तरीके से ये आर बीच में होगा सेंटर में, येलो जो है कि वो साइड में हो गया, और ब्लू कलर का जो है कि वो साइड के पोर्शन में लगा है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेन कनेक्शन, जो 4 वायर जो बचे हैं S1, H2, N और V, अब इन चारों का। अब सबसे पहले हम आते हैं S1 पे, ये है हमारा S1, ये हमारा S1 ही आया है, ये हमारा S1 है। अब हम इसका कनेक्शन में करके आपको करके बताऊँगा। अब ये हमारी जो है ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट का जो पोर्शन है इसमें हम जो है इसको कसेंगे। तो ये हमारा हो गया S1। ये देखिए गाइस, भूलना मत, सबसे पहले ये ग्रीन लाइट में कसना है S1। S1 ये हमने कस दिया। अब आता है हमारा H2। H2 जो है हमारा, ये हमारा H2 आ गया, H2 ये वायर। अभी हम ये H2 को कस देंगे इसमें, ये हमारा S1 और H2 सेट हो गया। ठीक है गाइस, अब हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, एक तो बचा है N और एक बचा है V। अब ये हम दोनों को जो है आपको सेट करके बताते हैं। अब ये जो हमारा, ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा है N। अब ये हम N वाला जो वायर है उसको ये रेड कलर का जिससे हम बंद करते हैं मोटर, उस वाले के पोर्शन के इस वाले उसमें कर देंगे सेकंड नंबर का। ये बीच वाला जो सेटअप है ये खाली रहेगा जिससे दोनों का ऑन और ऑफ का स्विच का कनेक्शन होता है। इसमें एक में ये सेकंड वाले नंबर पे हम जो है ये N कसेंगे, N नंबर का जो वायर है हमारा ग्रीन कलर का इसको कस देंगे हम। ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया S1, H2 और N। ये हो गया S1, H2 और ये लास्ट में 4th नंबर का जो स्क्रू है रेड कलर का, उस पर 2nd नंबर का, इसमें हमारा हो गया N। और ये अब ये बचा है हमारा V। V का जो हमने कनेक्शन है, ये जो हमारा येलो डोरी है, येलो डोरी में है, ये हमने ये कनेक्शन कर दिया। इसमें भी कर सकते हैं अपन ऊपर, लेकिन हमने क्या थोड़ा सा ज़्यादा उसके चक्कर में, मतलब ज़्यादा उसमें ट्रैफिक नहीं हो, ज़्यादा मतलब जगह नहीं ले, इसलिए हमने इसको नीचे लगा दिया है। कसने की जगह होती है तो इसलिए हमने नीचे से कस दिया। तो ये हमारा पूरा के पूरा ऑटो स्विच का कनेक्शन हुआ है। और अब हम आपको जो है कि मोटर भी चला के बताएंगे इसमें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको जो सिंपल ऑटो स्विच का कनेक्शन हुआ था उसमें आपको हम मोटर चला के नहीं बताए। देखिए गाइस, अब हम बताएंगे आप। देखिए गाइस, अब ये हमने चालू हो चुका है और हेल्थी बता रहा है, ये डोरी हमने लगा दी है। अब ये थोड़ी देर में मोटर जो है कि हम चालू करके आपको मोटर भी बताएंगे किस तरीके से चलेगी। ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये देखिए गाइस, ये मोटर हम चालू हो चुकी है। अब ये आपको मैं मोटर भी
मोटर भी बता दूंगा, ये पानी दे रही है, ये पानी देती हुई मोटर। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।